कडल्स एंटरटेनमेंट का शिक जो है, ये हमारा खुद का ऑन होम प्रोडक्शन के हिसाब से हम लोगों ने इस चीज़ को चालू किया है। हम भी मिसेस हैं, इसीलिए हम लोगों ने मिसेस इंडिया जो शुरू किया है। वैसे मिसेस और मिस बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोगों ने मिसेस इसलिए शुरू किया है कि मिस जब रहती हैं लड़कियां, वैसे ही सुंदर और अच्छी होती हैं, टैलेंटेड होती हैं। मिसेस होने के बाद में कई महिलाएं अपने आप में लुप्त हो जाती हैं, दिख नहीं पड़ती हैं, उनका टैलेंट, उनकी खूबसूरती, उनकी बहुत सारी परिवार और बच्चों के साथ उनका दायित्व बढ़ जाता है। तो हम लोगों ने सोचा कि इसको करते करते में भी वो महिला अपनी आइडेंटिफिकेशन को सामने लाए, दिखाए, और जिस चीज़ में टैलेंटेड है, जिस चीज़ में उनका टैलेंट है, या लाइफ में उन्होंने कभी सोचा होगा कि मेरे को कभी ऐसा कुछ फील्ड मिलना चाहिए, हम लोग वैसी महिलाओं को सामने ला के आज हम लोग भारत में सभी जगहों से ऐसी महिलाओं को लाएंगे और उन्हें वैसा प्लेटफॉर्म देने की पूरी कोशिश करेंगे। ये भी जानना चाहूँगा कि जो भी महिला हैं, एक मतलब घरेलू महिला हैं, तो किस तरह से आत्मविश्वास बढ़ा है उनका इसमें पार्टिसिपेट करके, और आप लोगों ने कैसे उनके निखारा है उनके व्यक्तित्व को? ऐसा है कि बहुत सारे कॉल आए मेरे को जब हम लोगों ने शुरू करने की कोशिश किया और बताया लोगों को, तो बोले मैडम हम लोग तो हाउस वाइफ है, अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो हमने बोला नहीं, तुम ही लोग सबसे ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि घर बाहर हर चीज़ तुम लोग जब संभालते आए हो, तो तुम्हें ऐसा प्लेटफॉर्म भी, और कभी ना कभी किसी ज़माने में तुम्हारी भी इच्छाएँ थी कि तुम आगे बढ़ना चाहते थे, और उस को हम लोग चाहते हैं कि तुम्हारे बच्चे, क्योंकि आज मीडिया बोलो और सारी चीज़ें हैं, बच्चे देखते हैं, मोबाइलों में समझते हैं, तो हम आप भी एज ए मॉम अगर उनके सामने कुछ अच्छा नेतृत्व लेके आएंगी तो शायद बच्चों का मनोबल भी बढ़ेगा। ऐसा ही हम लोगों ने कई प्रकार के उदाहरण दे के महिलाओं को घर से निकाला है और सामने लाया है। तो आखिर में आपका फाइनल एडिशन कब होने वाला है और कितने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं और किस तरह की तैयारी हो रही है उसके लिए? बॉम्बे में तो हमारा आज पहला दिन है। आप लोगों को भी धन्यवाद और हमारे शिक को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा आज पहला दिन है। काफ़ी ऑडिशन करने के लिए आई महिलाएं, काफ़ी लोगों ने कॉल पे फ़ोन किया, बाहर बाहर से भी आई, सभी को हम लोगों ने काफ़ी मनोबल बढ़ाया कि आपको करना है और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ना है। बड़ी खुशी होकर महिलाएं आई। और रही फाइनल की बात, तो अभी हम लोगों ने आज शुरू किया है, दो दिन बाद पूना में है, फिर नागपुर में है, चंडीगढ़, दिल्ली, ऐसे अभी 11 स्टेट हम लोगों ने फाइनल किया है। उसके बाद फिर फाइनल हम लोग जयपुर में करेंगे, जयपुर जहाँ किंग ऑफ मैंने जहाँ राजाओं का राजा रहता था राजवाड़, वैसा एक राजवाड़ा हम लोगों ने लिया हुआ है, जिस 7 दिन महिलाओं को रख के उनका अस्तित्व निखारा जाएगा और उन्हें उस प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा। थैंक यू। हम अब फिलहाल तो मैं ये बोलूँगी कि हम 13 सिटीज़ में ऑडिशंस करने वाले हैं, और यूनिकनेस हम ये कर रहे हैं कि सब लेडीज़ लोग जस्ट कॉन्फिडेंस हो। हम ऐसे कुछ क्राइटेरिया नहीं कर रहे हैं कि एज, हाइट, वाइटल स्टेटस, ऐसा कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो अंदर की कॉन्फिडेंस जो यूजुअली थोड़ी सी दब जाती है शादी होने के बाद या बच्चे पैदा होने के बाद, हम वो कॉन्फिडेंस जो अंदर दब गई है उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका खुद का कितना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है जब आपने पार्टिसिपेट करना शुरू किया, टाइटल विन किया, कितना ज़्यादा निखार है आपकी पर्सनैलिटी में? नहीं, वो कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा आया है, बिकॉज जब आप घर पे रहते हैं आप कॉन्फिडेंट उतने नहीं महसूस करते, लेकिन जब आप काम करना चालू करते हैं, जब लोग आपको अप्रिसिएशन करते हैं, जब आपको प्रोत्साहन करते हैं, आप लोगों की इंस्पिरेशन बनते हो, तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाती है। प्रियंका जी, क्या कहना चाहेंगे इस तरह के कॉन्टेस्ट और जिसमें सोशल इनिशिएटिव भी जुड़ा हो, या जिस तरह से और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहिए मैरिड वुमेन को, कितना ज़्यादा इंकरेजिंग होना चाहिए फ्यूचर में? ये बहुत इंकरेजिंग होना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे देश में फीमेल्स को थोड़ा सा, जितने ही हम आगे बढ़ गए हैं, वुमेन लिबरेशन बोलते हैं, 21st सेंचुरी बोलते हैं, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वुमेन को वो लेवल नहीं मिलता है। हम भले ही बोलते हैं कि एक आदमी और औरत कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, बट कहीं ना कहीं एक औरत को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मैं खुद एक औरत हूँ, मैंने भी काफ़ी टाइम कॉम्प्रोमाइज़ किया है घर गृहस्थी के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको रियली एक पुश की ज़रूरत है ताकि वो आगे बढ़े। Hi, I'm
तराना भारद्वाज मेनेजेस एंड आई एम फीलिंग ग्रेट टू बी अ पार्ट ऑफ मिसेस इंडिया शी क्यू मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट. इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट अप विद योर करियर एंड फॉर मैरिड लेडीज यू कैन अगेन रोल अप एंड अगेन स्टार्ट योर करियर. सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन बाय प्रियंका एंड बबीता मैम. No, no, this is not the first time. I have been crowned as, I was a participant in Miss Mumbai 2012. That was in Miss Mumbai and I was into modeling. But, you know, when you get married, you get busy in your life and then you kind of out of touch. So I thought, why not again? And here it is. I am again here participating. And yeah, and hoping what's on for the professional front, what are you engaging? You have a business as such, or you are working? Yes, I am working. I work with a firm. Okay. Viacom 18. I work with Viacom 18. Okay. Yes. Modify तो उनके अंदर बस confidence लाना है हमें. उनके अंदर confidence लाना है क्योंकि काफी तो ऑलरेडी कॉन्फिडेंट होती हैं. कुछ में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और उनको ये बताना है कि घर से निकल के बाहर भी एक दुनिया होती है. क्योंकि शादी के बाद ज़्यादातर लेडी सोचती है कि बस पति बच्चे उनमें बंद के रह जाती हैं और सोचती हैं हम कुछ कर नहीं सकते. बट यही दिखाना कि नहीं, उसके बाद भी लाइफ है और हम ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और उसके और उन्हें जो प्रॉमिस कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स शायद नहीं देते हैं और हम वो फुलफ़िल, क्योंकि हम भी रह चुके हैं मैं और प्रियंका इस फील्ड में, तो उसके बाद प्रमोशंस नहीं होते हैं. हम ये सब उनको प्रॉमिस करके देंगे ज़रूर. तो कलर्स एंटरटेनमेंट का ये जो सराहनीय कदम है, क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़्यादा और इस तरह के इनिशिएटिव होने चाहिए फ्यूचर में मैरिड वुमेन के लिए खासकर बात करें तो? काफ़ी होने चाहिए हमारी तरफ से तो. हम लोग, क्योंकि मैं और प्रियंका, हमने काफ़ी दिन से हम डिस्कस कर रहे थे, हम लोग देख रहे हैं क्योंकि हम भी इस फील्ड से रह चुके हैं, तो वो जो मिलना चाहिए प्लेटफॉर्म वो प्रॉपर मिलता है नहीं, तो हम शायद वो अपनी तरफ से तो पूरा कोशिश करेंगे देने का. तो मैम, आप बताइए, आप में कितना परिवर्तन आया था जब आपने पार्टिसिपेट किया? काफ़ी आया, क्योंकि मैं भी हाउसवाइफ रह चुकी हूँ. okay. और कॉन्फिडेंस में तो काफ़ी चेंजेस आए हुए हैं. okay. और आज मैं खुद का पेजेंट कर रही हूँ, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है. सो बेसिकली ये जो ऑडिशन, आई मीन बेसिकली जो कॉन्टेस्ट हो रहा है, ये इस हिसाब से लिया गया है क्योंकि जो वुमेन मिसेस इंडिया, जो मिसेस है, उन लोगों को एम्पावर करने के लिए किया गया है. और इसमें मेरा योगदान ये है कि मैं एज एन एसोसिएट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एनक्लेव, एज एन एसोसिएट इनके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ. सो मेरी एसोसिएशन में से भी मैं उन लोगों को भी एम्पावर कर रही हूँ. सो मैं उनको भी पुश कर रही हूँ इस इवेंट में आके, उनको अपने आप को दे हैव टू यू नो अपने आप को आगे जाए. ऐसा ना कि अपने ही यू नो दे शुड नॉट बी इन बेसिकली अपने सॉफ्ट जोन में नहीं होने चाहिए, अपने घर में नहीं बैठने चाहिए. दे हैव टू कम आउट. और हर घर पे बैठ के इट इज़ लाइक इन लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया है, बाकी काफ़ी लोग कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों का इनिशिएटिव ये है कि फ्रैंकली स्पीकिंग मतलब मनी के लिए नहीं कर रहे हैं इन लोगों का. मैंने ये जो देखा हुआ है, क्योंकि मैं इनके साथ एसोसिएटेड हूँ, मुझे पता है कि इनका इनिशिएटिव एक कॉज के लिए कर रहे हैं कि सबको वुमेन को बाहर आना है. तो ये जो एसोसिएशन चला रही है एंटरप्रेन्योर्स, क्या कहना चाहिए, कितना इंकरेजिंग है आज के दौर में, कितना ज़्यादा वुमेन टर्न हो रही है एंटरप्रेन्योर, कुछ बताइए इस बारे में. सो आज के इसमें लोग जो आ रही टर्न ओवर जो है रहे, फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन 5 महीने पहले शुरू हुआ था सिर्फ 25 वुमेन के साथ, आज 500+ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है. सो मोस्टली वुमेन पहले जो थी कि यू नो बहुत सारी जो लेडीज़ हैं जो अपना करना चाहती थी, पहले लोग निकल नहीं रहते, हम लोग जो है उनका ब्रेन वॉश करके हम लोग निकाल रहे हैं कि करो पूरा टाइम घर पे नहीं बैठना है उनको. अगर आप पहले कर चुके, जॉब कर चुके, बच्चे के लिए फैमिली है, फैमिली के लिए आपने जॉब छोड़ा है, सो आप अपना कुछ करो. एवरी वुमन हैज़ दैट इंटीरियर इंटरनल क्वालिटी इन बिटवीन देन, हर एक के पास एक नया क्रिएटिविटी होता है, उसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है. और जो उनमें है, जो उनको पता नहीं होता है लेकिन उनमें है, वो निकलना चाहिए.
तो हाउ डू यू थिंक दैट द टाइम हैज चेंज, कितना ज़्यादा सोसाइटी में लोगों का थॉट प्रोसेस बदला है, यू नो, वुमेन को लेकर वो थॉट प्रोसेस कितना ब्रॉडन हुआ है आज के दौर में? आज के दौर में जो सोसाइटी का जो बेसिकली जो पहले भी था, एक्चुअली पहले भी वुमेन लुक करती थी, लेकिन पहले जिस तरीके से सपोर्ट नहीं दिया जाता था, आज वी आर रियली थैंकफुल टू मोदी जी जो एक्चुअली उन्होंने इनिशिएटिव लेके हमारे कंट्री में वुमेन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे फ्रैंकलिस में स्कीम्स भी लॉन्च किए हैं कि वो लोग करें. सो यू थिंक इट्स चेंजिंग राइट नाउ? इट इज़ यार. चैलेंज की बात करें तो चैलेंज तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा है. बहुत सारे मिसेस इंडिया होते हैं, सब अपने लेवल पे बहुत बेस्ट करते हैं. हम लोग को बेस्ट से बेस्ट करने के लिए ना वो जो चैलेंज हमें फेस करना पड़ा, वो जो दिक्कतें हमें आ रही हैं, बट स्टिल वी आर ऑन अ ग्रेट लेवल. एक लेवल पर हम लोग कडल्स एंटरटेनमेंट इज़ अ न्यू प्रोडक्शन हाउस, नई कंपनी है जिसने एक शीक मिसेस इंडिया 2018 इज़ द फर्स्ट वेंचर जो हम लोगों ने किया है. एक्सपेक्टेशन बहुत है और लोगों के रिस्पांस भी वैसे ही आ रहे हैं. बॉम्बे के आज ऑडिशन गया विच इज़ वेरी सक्सेसफुल. काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोफाइल के लोग आए, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग आए. लेट्स सी बाकी की जगह से भी. पुणे में ऑडिशन है हमारा, अहमदाबाद में ऑडिशन है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, हर जगह हमारे ऑडिशन है. लेट्स सी वहाँ पर कैसे आता है. क्योंकि अब ये भी बात है ना भाई कि हर कोई जो है वो मिसेस इंडिया कर रहा है और हर किसी के दिमाग में अब हर तरह के मिसेस इंडिया छपे हुए हैं. तो हम क्या बेस्ट दे रहे हैं वो तो मिलने के बाद पता चलेगा लोगों से जब हम मिलेंगे. बट स्टिल प्रियंका, अंजलि, चैताली, इन सब के सपोर्ट से अच्छा मुझे रिस्पांस मिल रहा है मिसेस इंडिया के लिए. सो डू यू थिंक कि इस तरह का काफ़ी इंस्पिरेशन होना चाहिए दूसरे लोगों को भी, ताकि वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके? मतलब आई स्वेयर बिल्कुल नहीं होना चाहिए इंस्पायर, क्योंकि 50 लोग इंस्पायर हो गए फर्जी मिसेस इंडिया करते हैं. ठीक है, क्या होता है ना, हर चीज़ एक एक्सक्लूसिवली होनी चाहिए. जैसे आप लोग PR हो, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो नए नए आते हैं और PR बन जाते हैं, तो आप लोग को बड़ी दिक्कत होती है मीडिया वालों को कि आए उठे जुटे अपने फ़ोन पर लोग मीडिया बना. उसी तरह हमें दिक्कत होगी अगर कोई भी उठा सुटा मिसेस इंडिया करने लग जाएगा तो, क्योंकि फिर वो ट्रस्ट फैक्टर खत्म हो जाता है, चार्म खत्म हो जाता है एक चीज़ का, कि बहुत कॉमन हो जाती है वो चीज़. सो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं बोलूँगा कि जो कैपेबल है, जो उस चीज़ को कर सकता है, वही मिसेस इंडिया करे, अदरवाइज करके मतलब भी नहीं है ब्रो. तो ये कर मैरिड वुमेन के लिए होगा कि आगे चल के, यू नो, अनमैरिड वुमेन जो टैलेंट है जिनमें या जिनमें आई हैड अ वर्ड, मतलब हम लोग का डिस्कशन हुआ है मेरी पूरी टीम का, तो मिसेज इंडिया इज़ फॉर मैरिड वुमेन. इसके बाद लेट्स सी, हम लोग कुछ एक नया सा फॉर्मेट फैशन में लाना चाह रहे हैं. हमारी टीम से हम लोग की डिस्कशन होता है विच इज़ मिस्टर ग्रैंडपा, मिस्टर ग्रैंडमा. बुजुर्ग लोग हैं, आज तक पूरे इंडिया में ऐसा किसी ने नहीं किया. बुजुर्ग लोग हैं वो भी वॉक पे अगर चलेंगे एसिड विक्टम्स के साथ, यू नो, जो होमलेस लोग हैं उनके साथ, अनाथ आश्रम के बच्चों के साथ. सो वो एक नया इनिशिएटिव होगा कडल्स एंटरटेनमेंट का. सो आफ्टर दिस हम लोग प्लान कर रहे हैं उसको करने में. मिसेज ग्रैंडपा एंड यस एग्जैक्टली ग्रैंडपा ग्रैंडमा 2019. लेट्स सी कैसे वर्कआउट होता है. थैंक यू. मेरा नाम शमशाद हुसैन है और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पर आकर. मुझे एक मौका मिला है स्टेज पे अपने आप को बेहतर साबित करने का. जो औरतें जो इस फील्ड में आने के लिए बहुत कतराती हैं, उनको मेरा ये मैसेज है कि माँ बनने के बाद में उनको ऐसे नहीं फील होना चाहिए कि आप कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उनमें एक हिम्मत और उनमें एक एम्पावरमेंट होनी चाहिए कि वो इस स्टेज पर आकर भी अपना हर एक टैलेंट दिखा सकती है. जी, मैं हाउस वाइफ होते हुए भी मैं एक नर्स हूँ और मैं सब महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि आगे बढ़ें और हिम्मत से आगे बढ़ें. इंशाल्लाह. सपोर्ट कर रहा है आपको? सपोर्ट तो मेरी भाभी हैं और बबीता जी हैं, वो जो सपोर्ट कर रहे हैं. तो उन्होंने कहा कि आप भी एक चांस लीजिए स्टेज पर, इस मंच पर आकर अपनी अदाकारी दिखाएँ, अपनी एम्पावरमेंट दिखाएँ और आगे बढ़ें इंशाल्लाह. और जैसे ये कलर्स एंटरटेनमेंट प्रेजेंटेशन से हमें CQ का जो चांस मिला है इस मौके पर कि हम अपने आप को मिसेस इंडिया साबित कर सकें, तो इसमें ऐसा है कि बहुत अच्छा इंस्पायरिंग भी है और एक अच्छा एक्सपीरियंस है. तो क्या कहना चाहेंगे कि आप अपनी तरफ से कुछ करने का मौका ले तो क्या करना चाहेंगे? बस इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे और हार्डशिप से ही डेस्टिनी मिलती है. ओके, माय नेम इज़ रिनीता पुजारी दाबोलकर एंड आई एम अ प्री स्कूल टीचर विद इंटरनेशनल स्कूल. सो क्या कहना चाहेंगे, ये जो कडल्स एंटरटेनमेंट का इनिशिएटिव है कितना इनकरेजिंग है और कितना ज़्यादा, यू नो, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाए आपने पार्टिसिपेट के तौर पे यहाँ पे आना? सो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा बिकॉज नाउ आई एम टॉकिंग टू मीडिया, जो नॉर्मली पॉसिबल नहीं होगा. सो वो एक कॉन्फिडेंस होता है, आपको एक रिकोगनाइजेशन मिलता है, यू आर सीन ऑन TV, like a visual thing. So you get famous in a very short while. So confidence a bahut boost hota hai.
people recognize you. What is the biggest hurdle, you know, a woman face, basically a married woman face while pursuing their career or passion as such? Means kya obstacle face karna padta hai unko? Hurdle, yeah, definitely. Abhi bhi hai bahut sare. But I think it's end of the day, it's upon the women. And I'm glad ki abhi aise opportunities hai. Pehle nahi the. Aap khud se to contest mein nahi ja sakte. So at least you have a Mrs. India contest. So you have to take a initiative and then go for it. Hurdles so abhi bhi rahenge, preparation karna and everything. So Vinna ji, is there likewise you are participating in this event or ki glamorous career you want in the future? Are you going to pursue anything like this? There's nothing like that I've thought. But aisa koi socha nahi hai ki nahi yehi karna. I'm definitely want to study ahead. Related to my school, but if something comes up, a good opportunity, of course I would try it, definitely. मैं फिल्म वर्कर्स यूनियन, बीजेपी फिल्म वर्कर्स यूनियन का सेक्रेटरी हूँ. तो इस हिसाब से ये जो कॉन्टेस्ट हो रहा है, तो हम पूरी इंडिया की लेडीज़ को ये बताना चाह रहे हैं कि देर इज़ अपॉर्चुनिटी, और आपको ये सब अपॉर्चुनिटीज़ कुछ ऐसा है कि आप अपने दायरे से बाहर निकल के, अपने घर से बाहर निकल के आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिसका आप पूरा फायदा लेके अपने को साबित करें, खुद को साबित करें. चार दीवारी के में रह के आप जो नहीं कर सके हैं, जो तमन्ना है आपकी, वो उस तमन्ना को, उस आपकी आशा को एक नई एक उम्मीद दिखाने के लिए ये प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, तो जिसका आपको पूरे पूरा फायदा उठाना है. तो ये मिसेस इंडिया जो है वो एक ऐसी कॉन्टेस्ट है कि एक नया बदलाव ला सकती है और लेके आएगी. आई वॉज वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग फॉर लास्ट 13 ईयर्स, बट नाउ आफ्टर गेटिंग मैरिड आई एम एट होम. आई अगेन स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर अ जॉब. सो व्हाट लेड इंस्पायर्ड यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ इवेंट शेप मिसेस इंडिया? क्या इंस्पायरिंग है, क्या कहते हैं, कितना एनकरेजिंग होता है टू बीइंग पार्ट ऑफ, एंड हाउ डज द कॉन्फिडेंस बूस्ट अप व्हेन यू पार्टिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ इवेंट एज सच? About participating in a beauty pageant, frankly speaking, every girl has a dream to be in a beauty pageant, you know. When I was back in college, I always dreamt of a tiara over my head with a evening gown and I'm ramp walking and stuff like that. But the fear inside that, you know, you might not be the best, or probably you don't have a perfect body. And that fear kills you somewhere, you know, it kills your hidden talent as well. I have lost a lot of chances because of that fear. Frankly speaking, when this came to me, probably I thought, I don't have a perfect body at this time, but I can be an inspiration to somebody, or probably most of the women who want to do something in life, you know, they want to have their own identity. And I think beauty pageant was, is more than, you know, being beautiful, having a beautiful body, having a beautiful face. It's more of having a beautiful soul as well. Your inner talent, the way you present yourself, your confidence, I mean, again, it's a Mrs. India contest. So Mrs. itself has a lot of weightage. It's about being a mother, being a wife, being a partner, a friend, being a daughter as well. So lot of roles that you are doing, and you have to be matured, you have to be confident, you have to have that in you, you have to have that spark in you. And I guess I want to be an inspiration to a lot of women who think that the beauty pageant is only about being a beautiful lady, where presentable as well, but then yes, it is also about being intelligent, having a beautiful soul as well. So what do you think, this kind of event are required much more to, you know, bring about a change in the society? So that yes absolutely, because most of the times we've seen there are a lot of platforms for a girl who's not married, you know, Miss India, Miss Mumbai and stuff like that. Very less competitions for a married female. She's lost somewhere in her daily routine, in her family life, in her responsibilities and stuff like that. This is a platform which can take her out from there, and she can have her own identity as well. A hair color that also nourishes your hair and gives you rich, shiny color for 8 weeks.
Good evening, everybody. I am born and brought up in Bombay, and basically I'm married, and I am a mother to three wonderful kids. Beauty pageant for me is very unexpected at this time, frankly speaking, but now that I'm here, I want to make the best of it. I want to be an inspiration to a lot of women who think beauty pageant is only about being beautiful outside, having a beautiful body. So I'm here to crack the ice. And I'm a very lively person. I'm very friendly. Lot of strengths and lot of weaknesses, but I don't let my weaknesses overcome my strengths. I'm a very strong-headed girl. Faced lot of. I have my own story, just the way every woman has. But I like to celebrate my womanhood. If you were to lock in a room for a day without any source of entertainment around you, tell me something, how would you spend your 24 hours? I can spend more than 24 hours with myself without anything else. Wow, I just want to learn something from you. Lot of things that I can do, frankly speaking. I can dance without music, I can laugh at myself, I can think about myself, I can analyze myself. Reflections of my past life in front of me, a lot of things in life. You sometimes have to have that room for yourself where there is no one except you yourself. And if I get a golden chance like this, I would never like to miss it, definitely. My strength is being a woman is the greatest strength. That's what I feel. My weakness is sometimes I tend to get over-friendly, and then people try and take advantage of being an over-friendly person. I'm trying to maintain that particular distance, and I think it's never too late to learn. So I'm still learning.